हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डीवी एक्ट से रिलेटेड कुछ बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, डीवी एक्ट से रिलेटेड एक जजमेंट पर मैं बात करने वाला हूं। डीवी एक्ट जैसे कि आप जानते हैं, जिसका उपयोग किसी भी महिला के द्वारा उसके साथ गलत किए जाने पर, उसके साथ मारपीट किए जाने पर, फिजिकली या मेंटली उसको परेशान करने पर किया जाता है, और इसके अंतर्गत जो वुमेन है वो कई सारी चीजों को क्लेम भी कर सकती है। दोस्तों ये एक्ट बनाया इसलिए गया था ताकि महिलाओं के साथ अगर गलत होता है तो वो इसका उपयोग करके अपना बचाव कर सकें। लेकिन समय के साथ साथ हर चीज का देखिए मिसयूज आज के समय प्रारंभ हो गया है, तो बहुत सारे मामलों में इसका मिसयूज होता है। उनमें से कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि कोर्ट की नजर में भी आ जाते हैं और कोर्ट भी उनको पकड़ लेती है कि भाई ये मामला जो है पूरी तरह से प्रोसेस ऑफ लॉ का अब्यूज है। तो ऐसा ही कुछ ये मामला है और यहां पर पति के फेवर में फैसला हुआ, पत्नी के ऊपर एक भारी भरकम पेनल्टी लगा दी गई। क्यों दोस्तों, उसके लिए हमें केस में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मामला क्या है, और हो सकता है आपका मामला भी ऐसा हो। तो यदि आपका मामला भी ऐसा है तो आपके मामले में भी ऐसा ऑर्डर हो सकता है। बस जरूरत होती है सही समय पे सही स्टेप लेने की। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज में रेगुलर लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों मामला कुछ ऐसा था कि पत्नी ने अपनी तरफ से डीवी की एक पिटीशन पहले फाइल करी। अब दोस्तों उस पिटीशन के अंतर्गत उसने जो उसका शेयर्ड हाउसहोल्ड था उस पर एक ऑर्डर भी पास करवा लिया, जिसकी वजह से जो पति था उसको अपने खुद के घर से बाहर रहना पड़ा। अब दोस्तों इस पिटीशन पर जो कोर्ट थी, कोर्ट ने दोनों पक्षों के एडवोकेट को सुना, बाद में जो पत्नी थी, पत्नी ने एक विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा दी और जो हस्बैंड था उसने विड्रॉल की एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्शन दिया। देखिए दोस्तों, जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं ना जिसके हमारे पास एविडेंस नहीं होते, तो इनिशियली तो आदमी जोश जोश में कर लेता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब उसे एहसास होता है कि मैं इसको साबित नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है कहीं मैं ही ना फंस जाऊं, या अन्य अनेक वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो उसको विड्रॉल करता है। तो दोस्तों विड्रॉल करना कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं जाता है, क्योंकि आपने एक यानी गलत केस फाइल किया, इसीलिए तो अब आप पीछे हट रहे हैं, तो ये चीज कोर्ट की निगाह में जाती है। अब दोस्तों ऐसा ही इस मामले में हुआ कि वो विड्रॉल करना चाहती थी, पति कहता था कि नहीं भाई, उसने ऑब्जेक्शन किया, विड्रॉल नहीं करना, ट्रायल चलेगा। और दोस्तों इस मामले की खास बात यह थी कि जो पत्नी थी, पत्नी ने पति को कोर्ट में खींचा, कोर्ट में खींचने के बाद उसे अपीलेट कोर्ट में ले गई, फिर हाई कोर्ट में भी ले गई और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ले गई, यानी इतनी सारी लिटिगेशन में पति पड़ा। तो कोर्ट ने माना कि यदि पत्नी अब इस स्टेज पर इसको विड्रॉल कर रही है, तो फिर इससे ये तो क्लियर है कि पति को कितनी मेंटल एगोनी एंड पेन हुआ होगा, कितनी परेशानी और कितने हैरेसमेंट से गुजरना पड़ा होगा। और दोस्तों उसने लोअर कोर्ट से लेकर पूरा सुप्रीम कोर्ट तक देख लिया, तो कोर्ट ने भी इस बात को ऑब्जर्व किया कि ये पिटीशन पूरी तरह से केवल प्रोसेस ऑफ लॉ का अब्यूज है और पति को परेशान करने के उद्देश्य से डाली गई है। और कोर्ट ने पत्नी को आदेशित किया कि वो अपने पति को 10 लाख रुपए कंपनसेशन के लिए दे, और शेयर्ड हाउस होल्ड के लिए ऑर्डर किया कि उस हाउस होल्ड की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो बिल्कुल पहले जैसी की जाए जैसे कि ऑर्डर से पहले थी। तो दोस्तों ये इस तरह से होता है, तो इतना आसान नहीं होता किसी के लिए भी गलत चले जाना। बात यह होती है कि हम गलत का अपोज करने के बजाय आगे बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों होता यह है कि हम लोग सही समय पर सही कदम नहीं उठाते हैं, सही तरीके से अपने मुकदमों को डील नहीं करते हैं, इसलिए हमको परेशानी होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप भी सोच समझ कर अपने अपने मामलों में चलते हैं तो आपको रिलीफ मिल सकती है। और आप लोगों की जानकारी के लिए जो आर्टिकल है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां जाकर के वो पूरा आर्टिकल पढ़ के पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी दोस्तों हाल ही का लेटेस्ट जजमेंट है, आप लोगों के मामले की परिस्थितियां यदि सेम होती हैं तो इस जजमेंट की कॉपी को आप अपने मामलों में यूज करके इसका लाभ उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।